बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर आया था जब कोई पिक्चर चल ही नहीं रही थी। चारों तरफ सिर्फ साउथ सिनेमा का क्रेज था। साउथ के दर्शक तो अपनी इंडस्ट्री को लेकर कट्टर रहे ही, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी साउथ इंडियन इंडस्ट्री का डंका बजने लगा था। RRR, पुष्पा, बाहुबली, बाहुबली 2, KGF, एक के बाद एक साउथ फिल्में सुपरहिट होती चली जा रही थी और बॉलीवुड संघर्ष कर रहा था। यही संघर्ष आज भी साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सामने बॉलीवुड कहीं ना कहीं कर ही रहा है। आज भी साउथ के सितारे साउथ के सिनेमा को जितना प्यार दर्शक देते हैं, उतना प्यार बी टाउन फिल्म्स को नहीं मिल पाता है। आज भी साउथ एक्टर्स के सामने अपना वजूद बचाते नजर आते हैं कुछ बॉलीवुड स्टार्स। वेल, ऐसा ही मंजर बिग बॉस के फिनाले में तब देखने को मिला जब बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और साउथ इंडस्ट्री को रॉकेटरी जैसी फिल्म देने वाले एक्टर आर माधवन अपनी फिल्म शैतान को प्रमोट करने के लिए फिनाले में पहुंचे थे। इस दौरान जब हैदराबाद के अरुण एक्टिविटी एरिया के अंदर गए और उन्होंने अपने सामने खड़े आर माधवन को देखा, तो अरुण ने पहले उनसे हाथ मिलाया और फिर झुककर एक्टर के पांव छुए। वेल, जब अरुण आर माधवन से मिलने के बाद अजय देवगन की तरफ बढ़े तो अरुण ने उनसे सिर्फ हाथ मिलाया, अरुण ने नहीं छुए अजय देवगन के पांव। बेचारे अजय देवगन अरुण को देखते ही रह गए। इसके बाद जब अरुण एविक्ट हुए तब भी अरुण ने सिर्फ और सिर्फ आर माधवन को गले लगाया और बिग बॉस के घर से बाहर आ गए। इसीलिए हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में कहा था कि आज भी साउथ के सितारों के आगे कुछ बॉलीवुड एक्टर्स को अपना अस्तित्व तक बचाना भारी पड़ जाता है। वेल, जाते जाते इतना ही कहेंगे कि भले ही बॉलीवुड स्टार्स ने खूब पैसा, खूब नाम कमाया है, लेकिन साउथ इंडियन एक्टर्स ने पैसा और नाम के साथ साथ इज्जत भी कमाई और इसी की ही झलक अरुण ने बिग बॉस फिनाले में दिखाई। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।